अगर किसी काम में हम असली में करना चाहते हैं ना, सच में करना चाहते हैं कोई काम, तो सिंपल सा है, लॉजिक सिंपल सा है, नींद अपने आप ही आ जाती है, तो पता ही नहीं चलेगा, तुम काम करते करते सो जाओगे, नींद खुलेगी, उठोगे, फिर से काम करने लग जाओ। नीट 2022 की एग्जाम डेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, और अच्छी बात करेंगे और जरूरी बात करेंगे, अच्छी बात प्लस जरूरी बात, है ना, गलत चीज नहीं करेंगे। देखो मैं इसमें कोई, इस वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा आपको कि ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं क्या करूंगा, मैं 5 मिनट 7 मिनट कुछ सोचूंगा कि ऐसे ऐसे मेरे को बताना है कि फिजिक्स में ऐसे करो, ऑर्गेनिक में ऐसे करो, वैसे कर दो वैसे कर दो, मैं कैमरा चालू करूंगा और 5 मिनट 7 मिनट फिर बोलूंगा, है ना, और मैं कैमरा बंद करके वीडियो को अपलोड करके चला जाऊंगा और उसके व्यूज काउंट करूंगा फिर, है ना। तो उसमें क्या है, मैं तो 5 मिनट बोल के चला गया क्योंकि मैंने पेज पे तैयार कर लिया था कि, है ना, फिजिक्स में ऐसे कर देना वैसे कर देना, केमिस्ट्री में ऐसे कर देना वैसे कर देना, है ना, मोटिवेटेड रहना, ये कर देना वो कर देना। अब मेरा तो 5 मिनट में काम खत्म हो गया, अब देखने वाले बच्चे अब वो कैसे करें, है ना, उन्होंने तो सुन लिया, वो करें कैसे, अप्लाई कैसे करें, तो ये थोड़ी बात है ना। तो मैं जो भी बात बोलूंगा ना, मान लो मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे ऐसे करो, 10 घंटे पढ़ो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो मैं अपने अपने चैनल पे, जो भी मेरा नीट का चैनल है उस पर 12 घंटे मेहनत करूंगा। अगर मैं आपको 12 घंटे के लिए बोलता हूँ 12 घंटे पढ़ो, तो मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, ये मेरी गारंटी है, आपसे ज्यादा मैं मेहनत करूंगा, है ना, और चेक भी कर सकते हो, आप करता भी हूँ डेली। तो इसलिए मैं वही बोलता हूं कि जो आपको बोलूं मैं आपसे ज्यादा वो खुद फॉलो करूं और खुद काम करूं, मेहनत करूं, ठीक है। तो अब देखो अब बात क्या है, मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में समझा देता हूं। देखो अपनी जो नीट 2021 की काउंसलिंग है वो जनवरी एंड में लगभग जाएगी, है ना, जो भी उसके रीजन है ना, इन शॉर्ट वही सुप्रीम कोर्ट का केस वेस जो भी है, तो जनवरी एंड में वो काउंसलिंग जाएगी, ठीक है। अब इसमें काम की बात क्या है अपने, कि जनवरी एंड में काउंसलिंग जाने का मतलब है कि अपना जो सेशन स्टार्ट होगा 2021 नीट के बाद, जो सेशन स्टार्ट होगा एमबीबीएस का नया, वो कब होगा अपना, फिर लगा लो आप हिसाब, फरवरी मार्च अप्रैल में वो अपना स्टार्ट होगा, है ना। उसका क्या मतलब है कि जो नीट 2022 होगा, सीधी सी बात है, वो मई में तो होता नहीं नजर आ रहा, मतलब है ना, मई में तो होता नहीं नजर आ रहा लगभग, ये कह सकते हैं ना। तो मिनिमम अगर मान के चलो तो जून या जुलाई में हो, फिर भी मान के चलो तो जून में मान लेते हैं, हम जून में मान लेते हैं ना, आगे कितना जाएगा अपने फायदा ही है, फायदा है या नुकसान है वो तो रिजल्ट पे ही पता लगता है, पर जो भी है ना, यही मान के चलते हैं कि टाइम ज्यादा है तो फायदा है, असल में वो होता नहीं है, पर है ना कट ऑफ वो उसी हिसाब से चढ़ जाती है, ठीक है। तो जून में मान लेते हैं, तो जून में भी मान के चले, मान ले 15 जून को मान लेते हैं, तो आप दिन काउंट करो तो अपने पास है पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने, ये आधा दिसंबर आधा जून मान लेते हैं, मतलब 6 महीने तो मिनिमम अपने पास बनेंगे ही बनेंगे ना, 6 महीने तो अपने पास हैं, और आगे कितना जाएगा अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो 6 महीने में क्या है ना, कई बच्चे तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे है कि होगा कि नहीं होगा ना, वो उस हिसाब से हैं, एक श्योरिटी नहीं होती कि मैं कर पाऊंगा, है ना, तो वो बिल्कुल श्योरिटी आप गायब कर दो, क्योंकि 6 महीने में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि 6 महीने में जिन्होंने क्या से क्या कर दिया, तो हो तो सकता है इतने टाइम में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो वो श्योरिटी वाला क्वेश्चन मार्क आप हटा दो, इतने टाइम में हो सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, 6 महीने में से 180 दिन है 6 महीने में, अब मेरा जो कहना है ना वो ये है कि 2 महीने अपने आप रिवीजन के बचा के चलो, और 4 महीने में आप कैसे भी सिलेबस खत्म करो। अब मैं तो वही है, मैं तो करूंगा ना अपने अपने चैनल पे, जो भी मेरा बायो का पूरा है बायो का पूरा करूंगा, केमिस्ट्री का जितना मेरे को कराना है वो मैं करूंगा, वो मैं 4 महीने में करूंगा। देखो ये एक लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी है, इसमें उतार चढ़ाव है ना, अपने चलते रहेंगे, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। देखो आपका तो खुद के साथ करना है, मैं अपना चैनल का वैसे बताता हूँ आपको एक बात, मान लो मैंने बोल दिया कि मैं ह्यूमन फिजियो कराऊंगा 10 दिन में कराऊंगा, और वो वीडियो देख ली 10,000 बच्चों ने, है ना, मतलब 10,000 बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि ये ह्यूमन फिजियो कराएगा 10 दिन में, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ लगा हुआ हूँ लगा हुआ हूँ, पूरी अपनी मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ, पर नहीं हो पाता क्योंकि सब कुछ लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है ना, कॉलेज वॉलेज का भी हो जाता है तो नहीं बनती, है ना। अब तो एक तो विचार ये आता है यार, 10,000 लोगों को बोल दिया था 10 दिन में होगा, नहीं हुआ, अब क्या करें, है ना, वो फिर बैठ जाएंगे, पर ये है वहां से फिर उठना पड़ता है, वहां से उठना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, दोबारा उठना पड़ता है, दोबारा गिरो दोबारा उठो ना, और टाइम टेबल का तो कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है। अगर किसी काम में हम असली में करना चाहते हैं ना, सच में करना चाहते हैं कोई काम, तो सिंपल सा है, लॉजिक सिंपल सा है, नींद अपने आप ही आ जाती है, तो पता ही नहीं चलेगा, तुम काम करते करते सो जाओगे, नींद खुलेगी, उठोगे, फिर से काम करने लग जाओ, तुम्हें ऐसा होएगा नहीं कि अब मेरे को सोना है सो जाता हूँ, अब मेरे को उठना है उठ जाता हूँ, नहीं, करते 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 नींद आई जाएगी ना, कभी तो आएगी, कभी तो आएगी, बुला क्यों रहे हो, कभी तो आएगी, तो नींद आएगी, गिर जाओ,
नींद खुलेगी, उठ जाओ, भूख लगी खा लिया, नहीं लगी मत खाया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, है ना। और होता है यार एक जगह पे, जैसे मैं भी बताऊँ अपना अपना काम करता हूँ, तो एक जगह पे बैठे बैठे ना होता है 4-5 दिन में ऐसा होता है कि यार सेचूरेट हो गया, अब नहीं हो रहा है ना, कि डेली डेली आप 12 घंटे कर रहे हो एक ही काम लिखे जा रहे हो एनसीईआरटी में, इधर उधर है ना, तो 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में सेचूरेट सा हो जाता है दिमाग, है ना। पर वो फेज पार करना होता है, क्योंकि ये सेचूरेशन या तो हमारे 2 दिन खा जाएगी, 2 दिन खा जाएगी, है ना, कि 2 दिन का ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, या फिर हमें उसमें भी लगे रहना होता है, वहीं से फिर डिफरेंस बनेगा, है ना। मान लो 50 टोटल बंदे हैं, 50 के 50 सेचूरेट हो गए, तो उन 50 में से जो एक एक निकल के आगे खुद को पुश करके निकलेगा, वही फिर अपना चैंपियन है ना। बाकी तो सामान्य जिंदगी, सामान्य साधारण लोग तो चल रहे हैं, है ना, वो तो चलते ही रहेंगे, और मेंटोस जिंदगी जिसकी है वो आगे निकल के डिफरेंस बना देगा। तो ये बातें थी कुछ ऐसे ऐसे, है ना, थोड़ा उठो और लगो, यही बोलना चाहता था कि थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ा फ्लो आने दो एनर्जी का, है ना। ठीक है, इतनी सी बातें थी मेरी, थैंक यू, धन्यवाद।